देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। ये देश है हमारा, नया भारत, नई संसद। अंग्रेजों का बॉयकॉट नहीं किया था, मोदी का बॉयकॉट होगा। अरे लाखों करोड़ों रुपए से सदन नहीं बनता, सदन उसकी आत्मा से आहूत किया जाता है। ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ? श्रीमती सोनिया गांधी जी। और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं, किस हैसियत से? विपक्ष अगर बगैर मतलब के विरोध करेगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा। नेहरू जी ने क्या कहा था संसद के भाषण में? क्या कहा था उससे मतलब नहीं है। चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए। कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, लगभग 100 साल के बाद देश में एक नया इतिहास बनने जा रहा है, और इतिहास भी ऐसा जिसे दशकों तक या यूं कहें कि सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने की जगह अपने ही देश की कुछ पार्टियां विरोध, बहिष्कार और तिरस्कार का झंडा लेकर खड़ी हो गई हैं। यहां तक कि नई संसद पर धर्म की सियासत भी शुरू हो गई है। नई संसद पर सरकार और विपक्ष के बीच एक तरह से फ्लोर टेस्ट चल रहा है। और आइए अब मैं आपको नंबर गेम भी दिखा देता हूं, समझा देता हूं। लोकसभा के 376 यानी 68% पार्लियामेंटेरियंस मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं, जबकि 168 यानी मात्र 31% सांसद विरोध में है। दूसरी तरफ राज्यसभा में 131 यानी 55% सांसद मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, यानी नई संसद के साथ खड़े हैं। तो विपक्ष के खेमे में 104 यानी 45% सांसद हैं। यानी नई संसद के मुद्दे पर सरकार का पलड़ा बहुत भारी है इस समय। ये इस समय के ताजा आंकड़े हैं, और मोदी विरोध में वही लोग खड़े हैं जो 2024 में एन केन प्रकीर्ण के जरिए मोदी को चुनाव हराना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल। इनकी पुरानी तकलीफ है मोदी, नरेंद्र मोदी के साथ। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करा है नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीजेपी ने साफ कर दिया समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर, एनसीपी, उद्धव गुट, यानी कुल मिलाकर तमाम वो दल, उद्धव ठाकरे, यानी तमाम वो दल जो कि हर हाल में मोदी को हराना चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि नया भारत, नई संसद, ये जो इस समय आप देख रहे हैं ये नई संसद की तस्वीर है, इतनी भव्य और दिव्य दिखेगी भारत की नई संसद। और आज इसी पर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसमें जनता जनार्दन से हम कई सवाल पूछेंगे, नेताओं से कई सवाल पूछेंगे। इस बड़े कार्यक्रम में, ऐतिहासिक दिन के ऐतिहासिक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक स्टूडियो के साथ मैं अमीश देवगन आपका अभिनंदन करता हूं। नई संसद के उद्घाटन पर सरकार बनाम 20 विपक्षी दलों की जंग जारी है। हमारा तो साफ मत है कि इसमें महामहिम राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है? भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, इस पक्ष विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। और तो और, सिंगोल के नाम पर सनातन आस्था को भी टारगेट किया जा रहा है। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। लेकिन इस सियासी खींचतान के बीच आम लोगों की राय भी सुन लीजिए। हम भगवान से
इनका प्रार्थना करेंगे कि विपक्षी लोगों को सद्बुद्धि दे, एक पार्टी का विरोध करते करते तो देश का विरोध करने लगे। तो आज जनता के बीच नई संसद पर हाईटेक स्टूडियो से होगी ऐतिहासिक डिबेट, संसद पर सियासत का सितम। तो आज जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे चर्चित चर्चा। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ जुड़े हैं मलूक नागर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। अमित जमाई साहब मेरे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और नेता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है और जोरदार तालियां ऐतिहासिक क्षण के लिए, जोरदार तालियां ऐतिहासिक क्षण के लिए, क्योंकि भारत, हमारा भारत, मेरा भारत, हम सबका भारत 100 साल बाद अपनी खुद की संसद निर्मित कर रहा है जो कि भारतीयों से बनी है, भारत द्वारा बनी है। स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा में। मैं सबसे पहले अभय दुबे में आपके पास आता हूं। सवाल बहुत सीधा है, एक एक करके सारे तथ्य में रखूंगा। पहले सदन संसद का विरोध, अब सिंगोल का भी विरोध। 1927 में जब मौजूदा संसद जहां कामकाज हो रहा था अब से कुछ महीनों पहले तक, उसका निर्माण हुआ था और ब्रिटिश एम्पायर ने इनवाइट किया था, तो नेहरू जी के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू जी तब चले गए थे 1927 में। लेकिन आज ये संसद बनी है और देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन कर रहा है, तो कांग्रेस इसका बॉयकॉट करेगी। अंग्रेजों का बॉयकॉट नहीं किया था, मोदी का बॉयकॉट होगा। अमीश देवगन जी, हम आजाद भारत में रह रहे हैं और एक चुने हुए हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 28 मई को इस प्रजातंत्र के मंदिर में संविधान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब यह कहा जाएगा कि इस कार्यक्रम में जो प्रमुख और सर्वोच्च पुजारी है प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में, महामहिम भारत के राष्ट्रपति, वो इसका हिस्सा नहीं होगी। जब न्याय की देवी इतिहास लिखेगी और कहेगी कि आज के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा भारत के संविधान की जा रही थी 28 मई को, तब वो विधि विधान से नहीं, इस महामहिम राष्ट्रपति के अपमान से की गई। क्या आप ये चाहते हैं? आज भी अवसर है, हम देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपके प्रति दुर्भावना का प्रश्न नहीं है, हम राष्ट्रपति महोदया के प्रति सद्भावना प्रकट कर रहे हैं और सारे दल के लोग एक साथ मिलकर एक स्वर में चाहते हैं कि जब भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में आप ये मत कर दीजिएगा कि इस आयोजन के बाद नई संसद में एक संविधान का संशोधन ले आए, और जिस संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद का अर्थ यह होगा राष्ट्रपति और दो सदन, उसको परिवर्तित करके लिख दें कि अब संसद का अर्थ होगा हमारा अहंकार और अहम, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने पहले ही भारत की संसद की आत्मा को निकालकर उसमें से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च अदालत ने कहा, आपने अपना पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का जो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, अबे दुबे मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं सवाल बहुत मैंने स्पष्ट पूछा, आगे आपको मौका मिलेगा जवाब दीजिएगा, व्यूअर इंतजार कर रहे हैं जवाब का। 1927 में पुरानी संसद का उद्घाटन हुआ था और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, मोतीलाल नेहरू वहां पहुंचे थे, पंडित नेहरू के पिताजी, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया जी यहां नहीं पहुंचेंगी क्योंकि मोदी उद्घाटन कर रहा है, पॉइंट नंबर वन। अब मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी में आपकी बात आता हूं, अगर संसद बनी है, हम सब देख रहे हैं बनी है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, लेकिन क्या आपत्ति हो जाती अगर राष्ट्रपति इसका इनॉग्रेशन कर लेते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो इसका विरोध कर ही रही है, 19 अन्य दल और कर रहे हैं, साथ ही साथ तो बड़ी बात है अब तो सेंगोल का भी विरोध शुरू हो गया। देखिए, पहले मैं तकनीकी जवाब देता हूं फिर राजनीतिक जवाब। जी, पहली बात जो महामहिम राष्ट्रपति की बात है, तो इनके मन में कितना सम्मान है ये साफ दिखाई पड़ता है, जिन्होंने उनको इविल फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेटर कहा, जिन्होंने उनके लिए राष्ट्रपत्नी शब्द प्रयोग किया, महामहिम राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया, वो लोग आकर जब आज बगुला भक्ति दिखाते हैं या बिलैया दंडवत दिखाते हैं, तो सबको समझ में आता है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है। अब तकनीकी बात कहता हूं, देखिए बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति संविधान की प्रमुख हैं, संसद की प्रमुख हैं, संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से ही चलेगा और उन्हीं के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी।
परंतु माननीय संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, यह संसद के भवन के उद्घाटन का समारोह है। संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। यह भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण, इन्होंने बात कही लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर में क्या होता है, गर्भगृह में अधिष्ठाता देवा देवता या देवी स्थापित होती हैं, और जो बाहर का द्वार होता है परिसर का, वो कब खुलता है, व्यवस्थापक तय करते हैं ना, मेन गेट खुलता है। फिर जब गर्भगृह में पूजा अनुष्ठान शुरू होता है तब देवता की आवश्यकता होती है। ये मंदिर के गर्भगृह के देवता उठ के नहीं जाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहां पर लोकतंत्र का मंदिर है, संसद की प्रक्रिया उसकी पूजा है, और भारत के लोक जनता 140 करोड़ की भावना वो देवता है जिसका प्रतीक रूप में प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति करती है। तब आप बताइए, आप उनसे कहें तो आप ऐसा जैसे आप कहने, नहीं नहीं, वो मंदिर का मुख्य द्वार खोलने के लिए देवता को बाहर लेके आओ। और अंत में एक बात अब थोड़ी सी राजनीतिक भी कह देता हूं। देखिए, इसीलिए जब 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था तो दो दिन बाद लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था 18 मई 2014, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि 16 मई 2014, वो अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में बोल रहा हूं, भारत के इतिहास में नियति के साथ दूसरा मिलन माना जाना चाहिए, और यह दिन वो माना जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेज ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन अंग्रेज वास्तविकता में भारत छोड़ के गए, क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो अपनी विरासत में उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रतीक था। इसलिए वो संसद जिसकी जिसका फाउंडेशन स्टोन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखा, जिसकी उद्घाटन इरविन ने किया, इरविन भी एग्जीक्यूटिव हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे, जिसके सामने का जो मार्ग था उसे किंग्स वे कहा जाता, सिर्फ नाम बदला था, भाव नहीं बदला था, राजपथ था, जिसके सामने किंग की मूर्ति 1968 तक लगी थी, वो जिन लोगों के दिमाग में रचा बसा है उनके लिए 21वीं सदी के स्वाभिमानी भारत का यह स्वरूप निश्चित रूप से अखरने वाला है। जी, मैं कांग्रेस को मौका दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं सपा बसपा के ऊपर जाऊंगा, लेकिन अबे दुबे पॉइंट यह है कि आप पहले सदन संसद का विरोध कर रहे थे, अब आप सिंगोल का भी विरोध कर रहे हो। भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है उसको आप व्हाट्सएप मान रहे हो? भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा जिसको पंडित नेहरू ने धारण करा और आप उसको व्हाट्सएप मान रहे हो? क्या सिंगोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है? पॉइंट नंबर वन। क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है? पहले वो विरोध करती है पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, ये फिजूज करती है, फिर वो विरोध करती है कि मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, अब वो विरोध करती है सिंगोल क्यों लगाए, सिंगोल को लगाया जा रहा है। देखिए, आपके तो गोल पोस्ट ही तीन है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हमने विरोध किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी कोविड के क्राइसिस है, अगर हम इतनी बड़ी राशि को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय के लिए लगाएंगे तो ज्यादा उचित होगा। तो न्याय तो मिल गया सबको, वैक्सीन लग गई, लगती है। एक मिनट सुन लीजिए, हाथ खड़ा करें जिस जिसको वैक्सीन लगी है। भाई सर देख लीजिए न्याय कितना हो गया, आपको वैक्सीन लग गई नहीं लग गई, यहाँ पर किसको वैक्सीन लगी वो अपना हाथ खड़ा करे, जिसको कोविड की वैक्सीन लग गई वो हाथ खड़ा करे अपना, आपको लगी नहीं लगी वैक्सीन? दो दो आपको लगी नहीं, आपको लगी नहीं लगी? आप जानते हैं आपने नहीं लगवाई, वो बीजेपी की वैक्सीन थी, उनके नेता के अनुसार, उनके नेता के अनुसार सपा की सरकार आएगी तब लगवाएंगे। अमित देवगन जी, दशकों से 39 करोड़ वैक्सीन दसों सालों से मुफ्त में हिंदुस्तान के नागरिकों को लगाई जाती है, ये सारे संसाधन और लेबोरेटरीज किसने स्थापित की, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई है उस कोविड के क्राइसिस में 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए, लेकिन अवसर में आपदा की बात प्रधानमंत्री जी करते थे तो वो भी देश को जान लेना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल दिया। प्रधानमंत्री जी आपकी सत्ता की सर परिस्थिति में आपको वैक्सीन लगाई और किसानों को भी लगा दी, तीन काले कानून उस क्राइसिस के टाइम ही प्रधानमंत्री जी लेकर आए। देखिए इस पर लंबी बहस हो सकती है, उनके धन्ना सेठ दोस्त की उसी समय आमदनी बढ़कर विश्व का दूसरे नंबर का धनपति हो गया और किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। तो ये मुझे पूरा जग घूम लिया, इस सवाल के जवाब में मैंने पूरा जग घूम लिया, आप कोविड से लेकर फलाने तक धमकाने तक हर जगह चले गए। मैं पूछ रहा हूं आपने खुद गोल पोस्ट बदले, पहले आपने बोला फिजूल खर्ची है, फिर बोला है ये मोदी क्यों इसका उद्घाटन कर रहा है, अब कह रहे हो सेंगोल क्यों नजर दे रहा है। सर ये विषय पर आते कभी जानते क्या हो जाता है, 20 सेकंड अमित जमाई बॉलिंग करते करते कभी क्या होता है, बॉल छूट के पीछे की तरफ चली जाती है, वो इनकी स्थिति हो गई जहां विकेट पूछा जा रहा वहां तो बोल नहीं रहे। एक लाइन सिर्फ कह दूं, उसी कोविड के दौरान महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने विधायक निवास बनवाया है अपना महाराष्ट्र में, तब समस्या नहीं थी, संसद बनने में समस्या थी,
अगर आप बताइए तो आपकी सरकार को नहीं बताना चाहिए था। विधायक भी बन गई, वैक्सीन भी लग गई, सब कुछ ठीक हो रहा है ईश्वर की दया से। वैसे एक लाइन आप अनुमति हो तो बोल दूं। देखिए समस्या क्या है कि इनको संसद से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इनको प्रॉब्लम किससे नहीं है। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सेना पे विश्वास नहीं है, बालाकोट हो तो सुप्रीम इस पे एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, जाके विदेश में कहते हैं। अब समस्या क्या है? अरे सुनिए तो, भारत के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, सुनिए सेबी पे विश्वास नहीं है, सुनिए आपने पेगासस पर बहस नहीं कराई। बोलिए आपने, देखिए आपने सर आपने पूरा बोला, मैंने कोई भी सब सुनिए, सेबी पे विश्वास नहीं है, एसबीआई पे कहावत आपने सुनी है, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। आप ना समझ है आपकी पार्टी, या समझना नहीं चाहती जैसा बीजेपी कह रही है, क्योंकि सेंगोल को आप धार्मिक चिन्ह बता रहे हैं, भारतीय परंपरा का बड़ा हिस्सा है। सिंगोल से बड़ी घटना आज भारत में घटी थी 2014 में 26 मई को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सामने शपथ ली और इस देश के सामने एक सपना दिया था। उस सपने में बड़ी उम्मीद थी, पूरे देश को लगा था कि रामराज आ गया, लेकिन 14-23 की सरकार बताती है वादा रामराज का था, कॉरपोरेट राज भारत को मिला है। 14-23 की सरकार में क्या वादा था कि आप 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आप 15 लाख जितने यहां भारतीय बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए सबकी जेब में 15 लाख रुपया आएगा। इस देश का किसान, श्री अमित शाह जी ने बोला था, इस देश का किसान हिंदू मुसलमान तो नहीं है ना, कि जो वो अपनी धरती से जो फसल उगाता है उसकी फसल का दुगना दाम मिलेगा। आपको मालूम है कि कितने किसानों ने उनकी आत्महत्याएं हुई आंदोलन के दौरान, देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया कि आप आंदोलन को विथड्रॉ कर लो, अरे आप भगवान हो, हम आपका वादा पूरा करेंगे, तीनों फार्म बिल पे हम देश के किसानों के साथ हैं। बताइए आप में से कितने किसान हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया। सवाल यह कि आप नई बिल्डिंगें बनाइए, इस देश में 40 करोड़ है, संसद देश की आत्मा 40। आप अमित जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, संसद साल में हमारे सुधांशु भाई एमपी भी रहे हैं, अभी भी हैं, रहे नहीं है, 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 भाई साहब आपके भी मित्र रह रहे हैं, मलूक जी, मलूक नागर जी भी है, बुआ जी वाले भी हैं। सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है जल्दी, इसलिए मैंने कहा तो सेंगोल पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, हमारा ये कहना है। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा आपने बोला सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है, तो सेंगोल पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? नहीं, हमें सेंगोल का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए देखिए, हम लोग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, आपके सांसद तालिबान के साथ खड़े हो जाते हैं और सेंगोल के विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम लोग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लोग, जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर भगत सिंह अशफाक उल्ला खान से जोड़ते हैं ना, हम भारत के संविधान को मानते हैं। ये क्या है सेंगोल, क्या है सेंगोल, ये चोला वंशीय मुगल राज, ये भारत की पहचान नहीं है। क्यों चोलावंश क्यों? भारत का संविधान लोकतंत्र में, भारत के डेमोक्रेटिक नेशन में, ये राजे रजवाड़े चोलवंश मुगल राज इनका समय गया। संविधान से गवर्न होने वाला जो राज है, कांग्रेस के साथ है, हम ये चिन्ह नहीं, हम चाहते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अशोक चिन्ह को मिटाने की लोकसभा में कोशिश क्यों, संसदन में कोशिश की? ठीक है, जवाब जवाब ले लेते हैं। सुधांशु मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मलूक नागर, चोलवंश भारत का की पहचान नहीं है, सेंगोल भारत की पहचान नहीं है, यह संसद गलत बन रही है, तो आप गलत के साथ खड़े हैं क्या? सर देखिए, एक तो मुझे टाइम जरूर देना, क्योंकि पार्लियामेंट में मैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हूं रैंकिंग। तालियां भाई, तालियां। मुझे आप औरों से प्रश्न करते हैं, मुझे एक प्यारा सा प्रश्न आपसे करना है। सबसे पहले आपने मेरा परिचय कराया, लोगों ने तालियां बजाई, फिर सुधांशु जी का कराया, लोगों ने तालियां बजाई, जो हमारे साथी कांग्रेस का कराया परिचय और किसी ने नहीं बजाई, तो आपने इनके लिए कह के ताली क्यों बजवाई, इसका जवाब आप दे दो। चलिए हम तो सबके लिए तालियां चाहते हैं, बजे आपके लिए भी बजे, उनके लिए भी बजे। अभी सर, अभी सर, ये आप दुर्भावना सर, ये रखे सर, मलूक जी आप देखिए, चाहे दुर्भावना रखे, मैंने आपके लिए बैठे नहीं, पहली बार बोल रहे देखिए,
इसी तरह की वजह से इनका नाश गया है। बीच में इंटरप्ट मत करो, अपनी बात रखो, देश में मैसेज दो कि हम बढ़िया बात रखना जानते हैं, कंफ्यूज नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूं। देखिए, इन्होंने नई संसद का विरोध करा, क्यों करा ये आपने जो बताया 1927, इसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूं। 1913 में लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता में स्टार्ट हुआ जी, ये बिल्डिंग 1917 में बननी शुरू हुई, और लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता से दिल्ली 2020 दिसंबर और जनवरी 2021 को ट्रांसफर हुआ जी, और 1926 में बिल्डिंग पूरी हुई और पहला सेशन 1927 में इसमें हुआ। तो जब बननी शुरू हुई, जब 20 करोड़ से कम लोग थे देश में, और जब 1947 में इसका नाम जब असेंबली था, पार्लियामेंट नहीं था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इसमें 20 करोड़ से कम लोग थे, और जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो 37 करोड़ लोग हमारे देश में थे, 7 करोड़ पाकिस्तान में चले गए और 30 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में रह गए जी। तो जब भी संसद यही थी, 545 लोग थे, 2 सीट खाली हुई एंग्लो इंडियन की, 543 आज हैं, और 2023 में अगर 140 करोड़ लोग हैं, और कांग्रेसी जितने भी लोग हैं, मैं भी कांग्रेसी रहा हूं, मेरा भी कांग्रेस से विधायक रहा, 2000 में हमारा पूरा देश में एक ही घर था, 3 सगे भाई हम AICC मेंबर थे, मैं जानता हूं कांग्रेस को, एक भी कांग्रेसी देश में ऐसा बता दो आज जो 1947 से अब तक एक ही परिवार हो और जिसका बड़ा घर ना बना हो। सिंगोल पे देखिए, जब सिंगोल का जो ये एक चिन्ह है, और जो उस समय भी पूरी मर्यादाओं के तहत और पूरी देश की संस्कृति के तहत उस समय उस चिन्ह को वहां से साउथ से लेकर के आए गए थे, तो वो चिन्ह अगर उस समय दिया गया था तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की में। तो अगर ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये तय करें कि ये सिंगोल का विरोध कर रहे हैं या नेहरू के समय की तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ये तय करें पहले। मैं आपको बता रहा हूं, आपका टर्न है जवाब देने का। एक बात बताइए, मतलब पंडित नेहरू ने सिंगोल लिया, परंपरागत रूप से लिया, और अब आप लोग कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये है ही नहीं सिंगोल, कमाल की बात है। अमीश देवगन जी, इन्होंने बड़े घरों का जिक्र किया, मैं बड़ा आदर करता हूं बहन मायावती जी का, उनसे बड़ा घर तो किसी का नहीं, मैंने नहीं देखा। दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वैभवशाली इमारत की बात करते हैं, अरे पार्लियामेंट वैभवशाली इमारत तो है ही सही, मगर उसका हो सकता, मगर उसका वैभव हो सकता है विदेश में बड़ा घर, ये ठीक कह रहे हैं। मलुक जी प्लीज, वो कह रहे हैं कि इटली में सोनिया जी का है, राहुल जी का है। देखिए, अब उनको अंदर तक गहरा आघात हुआ है, मैं जानता हूं उस बात को। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि पार्लियामेंट का वैभव किसमें है, उसकी आत्मा किसमें है, जानते हैं आप? 25% पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम था, ये सुप्रीम कोर्ट ने, रमन्ना साहब ने कहा, जब वहां जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल आया तो उन्होंने कहा कि जो कानून 25% तक स्थिति हो गई जाते हैं, हमारे समय 70% जाया करते थे। 11%, गौर से सुनिएगा, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए परंपरा थी कि जनता को जानना चाहिए कि कौन सा कानून बन रहा है, उनमें उनका हित क्या है, वो घटाकर 11% कर दिया। ऑर्डिनेंस राज हिंदुस्तान में मोदी जी ने प्रतिस्थापित कर दिया, देश में आते ही जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद एक के बाद एक जमीन हड़पने का तीन मोदी जी लेकर आए, राहुल गांधी जी लड़े ऑर्डिनेंस राज जमीन पर, मैं जानता हूं था, वो क्या था, वो क्या जो राहुल गांधी ने फाड़ा था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वो क्या था? अविवेक की स्वतंत्रता थी, बहुत अच्छी बात, क्या लेके आए थे? मैं बहुत अच्छा प्रश्न, देश कुशल बहुत रहे अमीश देवगन जी, 11 ऑर्डिनेंस हर साल आने लगे, और महात्मा गांधी ने कहा है जो कानून आपके न्याय की रक्षा ना करता उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अपराधियों को पार्लियामेंट में रोकने के लिए वो कानून, टाइम लिमिट को फॉलो करें सर, टाइम लिमिट को फॉलो करें। सुधांशु त्रिवेदी, एक बड़ा सवाल आया जो अमीक जमाई ने सवाल उठाया कि चोल वंश कौन होता है, मुगल वंश कौन होता है, भारत तो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक परंपराओं में तो सिंगोल कैसे आएगी? जवाब, जहां तक सिंगोल का प्रश्न है, तो जयराम रमेश जी ने कहा है कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए पीछे,
पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं मैं पीछे, ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है कि पंडित नेहरू ने जो ये क्या है, ये जो सत्ता, ये क्या है, हाथ में सिंगोल लिए पंडित नेहरू क्यों है, व्हाट्सएप ने बनाया होगा ये पंडित नेहरू की तस्वीर देखिए आप, इसको ये तस्वीर दिखाकर ये सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं थी। सिंगोल अगर प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है तो इसका आशय भारत के पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है। अब अमीश मैं बोल लूं, अब बोलिए अब देखिए अमित शाह जी में नेहरू जी की आत्मा आ गई है। नेहरू जी इतने पुण्य हो गए, नेहरू जी ने क्या कहा था संसद के भाषण में, क्या कहा था मुल्क बनाते वक्त, क्या कहा था, उससे मतलब नहीं है। सिंगल वो भी बताते हैं क्या उससे मतलब नहीं है। तो लिखा पढ़ी दोनों ठीक है। देखिए समस्या क्या है कि मोतीलाल जी इस संसद के उद्घाटन में आए थे, जवाहरलाल जी ने सिंगोल लिया था, मगर ये जो नया लाल पैदा हुआ है उनके वंश में उसको नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे लगता स्वर्ग से बैठ के कह रहे होंगे मोतीलाल जवाहरलाल, वो कहते होंगे अपने घर में उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो गई है, ऐसा किया कमाल। अब मैं तकनीकी बात करता हूं, उनको 40-50 सेकंड बोलने कहा कि चोल वंश के बारे में, बिल्कुल हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही, अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ आदमी बता देता है, यह एक अंतर था। अब चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया जावा सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उतने ऊपर पहुंचा दे। और चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। वहां पर 30 लोगों की एक कमेटी बनती थी गांव सभा को संचालन करने के लिए, 6 कमेटियां 5-5 लोगों की होती थी, और उन्हें जैसे आज मतदान किया जाता वैसे सेलेक्ट होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और चोल में जानते क्या है, नटराज की जो मूर्ति आपने तमाम जगह देखी होगी डांसिंग करते हुए नटराज की वो मूर्ति, और वो कहां लगी है, यूरोप की सन लेबोरेटरी में, जहां अभी तक की 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हुई है गॉड पार्टिकल, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन, और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट फिट्ज़ेफ कोपरा का लिखा हुआ है कि सन लेबोरेटरी में क्यों लगी है। उन्होंने कहा बिकॉज नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। यह है चोल साम्राज्य का प्रभाव। तो चोल सृजन तुलना संभल के करिए, चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए, मगर अफसोस इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर मुगलों के नाम की दर्जनों सड़कें, मतलब एक नहीं तो अच्छे सड़कें, मगर चोल का नाम तक नहीं पता। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, नया भारत नई संसद, वक्त है एक अंतराल का, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन पर यह चर्चा ब्रेक के बाद होगी। ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ है आपकी ये तस्वीर आ रही है, किसका नाम लिखा हुआ है, इधर होइए इधर आइए, श्रीमती सोनिया गांधी जी, और नीचे किसका नाम है, नीचे श्री राहुल गांधी जी, और उसके पीछे किसका नाम है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। अब आप मुझे बताइए सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं किस हैसियत से। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये देश है हमारा के इस एडिशन में नई संसद नया भारत। संसद सबकी होती है, लेकिन इसका विरोध करना क्या देश का विरोध करना नहीं है? संसद सबकी होती है, इसका विरोध करना क्या देश का विरोध करना नहीं है? 20 सेकंड में जवाब आबे दुबे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है इस सदन में, एक बार तालियां बजाइए आप जोरदार, नहीं बजाएंगे क्यों? अच्छा 15 अगस्त जी को नहीं बुलाया जा रहा है, अच्छा स्वतंत्रता दिवस बुलाया जाता है, जोरदार तालियां बजाइए। ये देखिए एक मिनट, ये निमंत्रण पत्र है लोकसभा छत्तीसगढ़ वाला दिखाइए। आप जानते हैं क्या परिभाषा है संसद की? संसद की परिभाषा है कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से। क्यों इन्होंने राज्यसभा की तरफ से भी निमंत्रण नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाना पड़ता है। क्यों नहीं बुला रहे? ये सिर्फ एक सिंगल फ्रेम का खेल है दोस्तों। प्रधानमंत्री चाहते हैं सिंगल फोटो फ्रेम, सिर्फ उनकी तस्वीर आए, अगर आदिवासी राष्ट्रपति है उनका नाम आना चाहिए था, सब कुछ आना चाहिए था। एक छत्तीसगढ़ का नवीन विधानसभा भवन बन रहा था, उसकी तस्वीर जरा वीडियो वॉल पे डालिए,
मेरा निवेदन है डालिए और इसमें एक सेकंड एक सेकंड और आप में से एक व्यक्ति को खड़ा जो मेरे साथ इसमें खड़ा हो, आप में से कौन खड़ा होगा जो मेरा साथ देगा, थोड़ी देर के लिए एंकर बने, जो कौन खड़ा होना चाहता है? जी 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 आइए खड़ा, एक एक सेकंड एक सेकंड एक एक सेकंड ये इधर आई इधर 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 आई इधर आई एक एक सेकंड सर सुधांशु भाई एक सेकंड ये नाम पढ़िए भाई किसका लिखा हुआ है, आपकी ये तस्वीर आ रही है किसका नाम लिखा हुआ है? सोनिया इधर आइए इधर आइए, श्रीमती सोनिया गांधी जी और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी और उसके पीछे किसका नाम है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। इधर किसका नाम है? डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा स्पीकर। एक मुख्यमंत्री है एक विधानसभा स्पीकर है। राहुल गांधी क्या है आप जानते हैं? राहुल गांधी क्या है? अभी तो सांसद नहीं है, उस समय सांसद थे। सोनिया गांधी क्या है? और दूसरे राज्य के सांसद है, वो भी दूसरे राज्य की। अब आप बताइए वहां पर भी अनुसूया आई के थी जनजातीय समाज की, उनका तो नाम तक क्या, उनको तो बुलाया तक नहीं गया था वहां पर। अब आप मुझे बताइए सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं किस हैसियत से? ये जो नाम पट्टी का बता रहे ना अमित देवगन जी, सोनिया गांधी जी ने जिस पद को पाने के लिए ललाई थे ना प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उसको एक क्षण में त्याग दिया। एक बात और बता दूं, क्या तुलना करते हैं आप? राष्ट्रपति जी की तुलना जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड राज्यपाल है उनसे करना चाहते हैं और यह कर देना चाहते हैं कि इस आधार पर राष्ट्रपति का अपमान किया जा सकता है। इस आधार पर मुझे बताइए, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक नियुक्तियां होती, राष्ट्रपति चुनकर आता है, देश उनको चुनकर कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछ रहा हूँ कि सोनिया जी और राहुल जी किस हैसियत से करते हैं, इसका जवाब नहीं है। देखिए राज्यपाल की परिभाषा क्या है, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए राज्यपाल को तो एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, सरकार बर्खास्त करने का। और जब सरकार बर्खास्त होती तो क्या कहा जाता? राष्ट्रपति शासन, यानी वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कुछ भी कैसे कहने का प्रयास करने लगना चाहिए। और इन्होंने कहा सोनिया जी उस पद को छोड़ चुकी हैं जिसको पाने के लिए मोदी जी लालायित है, मुझे समझ नहीं पाता, दो बार प्रधानमंत्री हो चुके, कौन सा पद पाने के लालायित है? यदि इनका इशारा प्रधानमंत्री पद के लिए है तो सोनिया जी एकमात्र ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मंत्री पद स्वीकार कर लिया, यानी मंत्री का स्तर स्वीकार कर लिया, ऐसा महान त्याग किसी और, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसा आपको उदाहरण त्याग का नहीं मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये व्यूअर्स आपको शायद पता नहीं है, इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बनाने का प्रयास हुआ यूपीए के शासन में। एनएसी प्रधानमंत्री को मिनिस्टर्स गाइड कर सकते हैं कि आपको शासन कैसे चलाना है। एक चीज और एनएसी गाइड कर सकता है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री के ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी। अरे उस समय के विज्ञापन याद करिए, प्रधानमंत्री से बड़ी फोटो एनएसी के चेयरमैन की होती थी, यानी जिसे कैबिनेट मंत्री का रैंक है उसकी फोटो प्रधानमंत्री से बड़ी होती थी। एनएसी जो बनाई गई थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर, एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव पावर जो बनाई गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से ऊपर एनएसी थी, वो एडवाइस करती थी प्राइम मिनिस्टर को। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी ये देश को जानना चाहिए। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वो थी जिन्होंने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, मतलब हिंदुस्तान के 15 करोड़ किसान परिवारों को, 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को, वन में रहने वालों को जल जंगल जमीन आजीविका का अधिकार दिया, 14 करोड़ देश के नागरिकों को काम मांगने पर मनरेगा का अधिकार दिया। ये एडवाइजरी काउंसिल का काम था, लेकिन एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री को तो लीजिए सांसद हैं आप साहब, एडवाइजरी काउंसिल का अर्थ है कि एडवाइस देती, उन्हीं के एडवाइस के आधार पर कानून बने, क्या बात करते हैं? सलाह देने में आ गए, इन्होंने क्या देने से सलाह देने में आ गए, इसी चक्कर में आपके लेने के देने में। मेरा प्रश्न दुबे जी से है, दुबे जी अभी जोरदार बड़े जोश से बोल रहे थे कि राष्ट्रपति के नाम पे ताली बजाओ, जब आप सारे विपक्ष मिलकर उस लेडीज को हराने के लिए एकजुट हो गए थे तब आप लोगों की ये जो तब कहाँ गई थी? और मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, इतना शानदार संसद भवन बनाए पूरे 100 साल में, आप इसको राष्ट्रीय त्यौहार मनाइए, इस पर हाहाकार मत मचाइए। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार मनाइए इसको, इस पर हाहाकार मत मचाइए। सेंगोल को भी आप तो, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो पंडित नेहरू की तस्वीरें देखी और
एक और चीज, क्योंकि आपने बोला ये सब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये है वो है, अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं, और ये तमिलनाडु सरकार का डॉक्यूमेंट है, डीएमके की गवर्नमेंट का एलआई है, और इनका इन कांग्रेस पार्टी का एलआई है, उसके 24 नंबर पैरा में ये लिखा हुआ है, थंबीरन स्वामीकल ने स्वर्ण के पानी चढ़े चांदी के राजदंड को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के पहले प्रधानमंत्री को शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक था। और आप चाहें तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे भी सकता हूं, ये 24 नंबर पैराग्राफ में तमिलनाडु सरकार का लिखा हुआ है, 21 में ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, यू कैन वॉच इट, यू कैन सी इट ऑन योर फ्रॉम योर ओन आइज द पॉइंट दिस। अब आप मुझे बताइए, आप जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसका विजुअल प्रूफ है, भारत की संस्कृति और रखा से भी है। इस कदर नफरत कि सिंगोल का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी आज, भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत, सिंगोल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। अमीश देवगन जी, जो आपने कहा मैं आपकी भावनाओं की, और जिस मठ ने सिंगोल को बनाया था, जिसने पंडित नेहरू को सिंगोल भेंट किया था, उसने तक विरोध कर दिया, उसने बोला कांग्रेस पार्टी गलत कह रही है। 96 वर्ष के हैं, आज भी जीवित है। अमीश देवगन जी, बहस इस बात की है, प्रधानमंत्री जी वैभवशाली सदन बनाइए, हम सब साथ हैं, लेकिन उसकी आत्मा आप चर्चा नहीं करने देना चाहते। ये कैसे साथ है? मैं अब आप बोलने नहीं देंगे तो आप भी बोलिए कि जैसे वो महंगाई पर बहस नहीं, बेरोजगारी पर बहस नहीं, चीन अंदर घुसा पर बहस नहीं, पेगासस पर बहस नहीं, अडानी पर बहस नहीं, तो संसद है अडानी पर मैंने 50 कार्यक्रम कर दिए, यानी बात करेंगे, सवाल की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सदन में, आप चर्चा नहीं करना चाहते, मनमाने कानून आप विषय पे आइए। सिंगोल का मैंने एक प्रूफ दिखाया, मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, 24 नंबर पैरा तमिलनाडु सरकार का, आप भारत की संस्कृति का विरोध क्यों कर रहे हैं सिंगोल का विरोध करके, जवाब दीजिए। बंद नहीं किया तो विश्वास मानिए, भविष्य का भारत जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रजातंत्र। आप मुझे बताइए, जब वोट डिविजन की मांग राज्यसभा में की कृषि कानून के खिलाफ, तो सांसदों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं प्रधानमंत्री जी ने। अरे लाखों करोड़ रुपए से सदन नहीं बनता, सदन उसकी आत्मा से आहूत किया जाता है। 28 मई को प्रधानमंत्री जी बुलाइए राष्ट्रपति जी को, और ये संदेश दीजिए कि हम प्रतिपक्ष की भावना के साथ हैं। बीएसपी को नहीं है, वो तो बीजेपी का विरोध कर रही है, बीएसपी को नहीं है तकलीफ, भारतीय पूछिए ना, अगर मायावती जी तो इनको नहीं है तकलीफ, वो कह रहे हैं देश का काम हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो सिंगोल का विषय है, भारतीय संस्कृति से कोई भी प्रतीक आ जाए तो इनको बड़ा कष्ट होता है, मगर इधर आप देखिए भारत में बदलाव कितना आया है। ये संसद ऐसे नहीं बन रही है, उससे पहले भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर का देश बन चुका है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर का देश बन चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन चुका है, सबसे ज्यादा हमारे एयरपोर्ट 72 एयरपोर्ट नए बने हैं, मतलब 140 हो चुके हैं, 12 करोड़ घरों में जल पहुंचा है, टैप वाटर पहुंचा है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवर मिला है, 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना से तहत बैंक के खाते मिले हैं, और इसके साथ साथ जानते हैं क्या बना है, 3.5 करोड़ आवास बने हैं, 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी, और इसके साथ जानते हैं क्या बना है, महाकाल का कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, केदारनाथ से लेके और हैदराबाद तक आप देखिए तो वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य स्वरूप और भारत की संसद का भव्य स्वरूप साथ साथ आता जा रहा है। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूं, जो हम पे आरोप लगाते थे, याद करिए, कहते थे ना 4 साल पहले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, हमारे लिए कहते थे। अरे मान्यवर, वो राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी, भगवान का मंदिर तब बनना था जब भारत की महानता की पताका और राम मंदिर की पताका आगे होनी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, आप राम को समझ ही नहीं पाए, वो कालचक्र की उस गति को बता रहे थे जिसे लिखा है रामचरितमानस में, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, वो काल के ऊपर के काल है, इसलिए अब कालचक्र की बदलती गति को समझिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि हमेशा निगेटिव चीज के तरफ ही अट्रैक्शन होता है, ये तो विद्वान व्यक्ति है, इनको पता होगा सुंदरकांड में चौपाई है, शब्दशा न लिया जाए, कहा गया है जिन लोगों की पाप वृत्ति होती है तामसी चीजों के प्रति उनका वैसा ही आकर्षण होता है, कैविएट कर कह रहा हूं, शब्दशा ने लिया है, जैसे उल्लू का अंधेरे के प्रति। तो कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा,
यथा उलू कही तम पर नेहा। अब क्या किया जाए, इनका अट्रैक्शन ही अंधकार की तरफ है, तो हर चीज में ढूंढने लगते हैं कैसे निगेटिव चीज देखी जा सके। इस कारण से इनकी दृष्टि दोष के कारण समस्या। जी अभी जो भाई, क्या आपका झुकाव अंधकार की तरफ है? किसने संगोल धार्मिक देख रहे हैं आप मेरी बात? जी दो बहुत छोटी छोटी बातें मुझे कहने दीजिएगा। जी पहली बात तो ये कि जो भारत की संसद पहले बनी हुई है, आप ही लोगों के जरिए सुनता हूं कि भारत की संसद चलती नहीं है, चलने नहीं दी जाती है, आम टैक्स पेयर का दर्द बहुत ज्यादा आप लोग बताते हैं, है भी दर्द। सवाल यह है कि जो भारत की संसद साल में महीने से ज्यादा, हमारे सीनियर एमपीज यहां बैठे हैं, हम लोग तो बेकार लोग हैं जो एमपी नहीं बने हैं, ये लोग ज्यादा अरे बन जाएंगे एमपी क्या बात। तो हमारा ये कहना है कि जो एक महीने से ज्यादा नहीं चलती है, वहां पे आपने हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर एक नई संसद खड़ी कर दी। ठीक है, आप नेहरू जी बनना चाहते हैं 10 साल के अंदर, नेहरू जी के बनने में तो समय लगता है ना, जेल काटनी पड़ती है। अरे सुन तो लीजिए, जेल काटनी पड़ती है, मुल्क बनाना पड़ता है, हजारों किलोमीटर चलना पड़ता है। नेहरू ऐसे नहीं बनते, लोहिया ऐसे नहीं बनते। ओके ओके, इन्होंने अच्छा ये तो मैं ध्यान ही से निकल गया था, इन्होंने ही बोला था जेल काटी थी, और जेल कितने जलवेश काटी थी ये पता है आपको, किताब भी लिखी थी उनको, सुनिए कुक भी अवेलेबल था, सेक्रेटरी भी अवेलेबल था, राइटिंग लिखने के लिए असिस्टेंट भी अवेलेबल था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुनिए मंत्री बना दिया, यहां से आज पहुंचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जोड़ लिया उसी किताब में। एक एक करके सर, और सुनिए फिर मैं आऊंगा आपके पास। नेहरू जी ने तो बनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कहां थे इनके वालिदैन? नेहरू जी ने भाई कहां थे ये लोग? सुनिए आखिरी दस सेकेंड मैं आप चारों को दूंगा, और मेरा अनुरोध है मैं एक एक करके आपके पास आता हूं और आप अपनी बात को रखिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अमित जमई, अमित जमई पहले मैं अमित जमई आपसे पूछता हूं, देश की नई संसद बन गई है, 100 साल बाद ऐतिहासिक क्षण आया है, सिंगोल का विरोध, नई संसद का विरोध, क्या आपको लगता नहीं है ये पब्लिक है, ये सब जानती है? देखिए 2014 से 2023 का जो अध्याय है नरेंद्र मोदी जी का बतौर प्रधानमंत्री, इस देश के इतिहास का आप 29 तक की तैयारी करिए, हिमाचल में आ रहे थे 300 सीटों, कर्नाटक में 20 साल के लिए आ रहे थे, श्री अमित शाह जी के मुंह डुबा के आ गए वहां पर, प्रधानमंत्री जी बेइज्जती करा के आ गए अपनी, कर्नाटक में क्या करके उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री जी, चुनाव आजमगढ़ में क्या हुआ और रामपुर में क्या हुआ, मदद किसके लिए, भेजा आजमगढ़ में? सुधांशु जी पता है कहां कहां जेल में जाते हैं आप, पूरी रिपोर्ट रखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बात क्या आप कह रहे चुनाव हारने लोकतंत्र में बेइज्जती है? आप तो सुनिए, चुनाव हारना बेइज्जती है लोकतंत्र के? तो आप हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, बताइए क्या करेंगे? अगर 24 भी हार गए तो प्रधान 4 बारी बेइज्जती। इस देश के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से जो वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, विश्वासघात किया, अब उनका बोरिया बिस्तर इस देश की जनता बांध रही है। कुछ महीने बचे हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्टूडियो से सरकार नहीं बनेगी। अच्छा मलूक ना, अगर आप ऐसे विरोध अगर करते रहेंगे, सिंगोल का, आप संसद का, मोदी का, डायलॉग था ना भैया जी, भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए हैं ऐसा लग रहा है। तो क्या आपको लगता है बोरिया बिस्तर बन जाएगा? बोरिया बिस्तर बन जाएगा? 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। देखिए कन्फ्यूज थे, अध्यक्ष नहीं बना पाए, बनाया तो 81 साल का बुढ़ा बना दिया, इन पे मत जाओ, देश के लिए काम करो, सारे जाति धर्म के लोगों के लिए देश को आगे बढ़ाना चाहिए, और हम सबको मिलकर के ऐसा काम करें जो हमारा देश तरक्की करे, लोग तरक्की करें। अबे अबे दुबे, क्या आपको लगता नहीं है कि संसद का विरोध आप कर रहे थे, सिंगोल का विरोध करके आपने एक बड़ी ऐतिहासिक गलती करी है भारतीय कल्चर के साथ? ऐतिहासिक गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, ऐतिहासिक गलती ये की है कि प्रधानमंत्री जी ने सिंगोल ऐतिहासिक गलती है, अच्छे दिनों का झांसा दिया, सिंगोल ऐतिहासिक गलती है बीजेपी की, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, 50-60 रुपए का खाने का तेल और दाल, उनके धन्ना सेठ दोस्त उस कारोबार में घुसे, 200 रुपए के पार हो गया, 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल कर दिया प्रधानमंत्री जी, एक एक करके उनकी सत्ता की सरपरस्ती में मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, ऐतिहासिक गलती है कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐतिहासिक गलती है सिंगोल। सिंगोल और नई संसद दोनों क्या दिखा रही है? नई संसद दिखा रही है कि भारत के पास एक स्वर्णिम भविष्य है, और सिंगोल दिखा रहा है कि हमारा एक स्वर्णिम अतीत था। तो यह कह रही है बस आप वर्तमान में गलतियां ना करें, तो यह कह रही है कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। और व्यूअर्स, अब मैं आपको सिंगोल के अस्तित्व से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत दिखाने जा रहा हूं।
चुंगोल को लोकसभा में स्थापित करने के मोदी सरकार के बड़े फैसले ने वर्षों पुरानी हमारी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया है। ये वही सिंगोल है जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पर पंडित नेहरू को दिया गया था। तस्वीरों में आप पंडित नेहरू को कंधों पर पीताम्बरी ओढ़े और हाथ में सिंगोल पकड़े देख सकते हैं, जिसे आज कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता रही है। लेकिन फिर न्याय का प्रतीक और नंदी की प्रतिमा वाला यह सिंगोल इतिहास में गुम हो जाता है, या फिर इसे जानबूझकर गायब कर दिया जाता है, क्योंकि वर्षों बाद पता चला कि यह सिंगोल इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा गया था, जहां इसका नया नामकरण कर दिया गया था गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू श्री पंडित नेहरू। मैं जानता हूं आपकी आपको इस जानकारी से हैरानी हुई होगी, लेकिन अब यह जानकर और भी हैरानी हो जाएगी कि मौजूदा कांग्रेस सिंगोल के हस्तांतरण जैसी किसी प्रक्रिया से ही इंकार कर रही है। तस्वीरें सब झूठी हैं। कांग्रेस नेता जयम रमेश ने ट्वीट करके एक दावा कर दिया कि ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो कि माउंटबेटन राजा गोपालचारी जी और पंडित नेहरू सिंगोल को ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल मानते थे। यही वजह है कि आज मैं आपको एक एक करके तीन सबूत दिखाने जा रहा हूं। सबूत नंबर एक, यह तमिलनाडु सरकार के पर्यटन संस्कृति और धार्मिक मामलों का मंत्रालय है, जिसका पेज और जिसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। 2021-2022 का पॉलिसी नोट है, जिसके पैरा नंबर 24 में पेज नंबर 27 पर लिखा है कि सत्ता परिवर्तन के दौरान, इस दस्तावेज में लिखा है, राज्य या राजा का गुरु राजदंड को नए शासक को सौंपता है। मदुरई के अधिनियम ने यही सोने की परत चढ़ा राजदंड पंडित नेहरू को सौंपा था। यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर को दर्शाता है। याद रहे कि यह तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस सरकार के दस्तावेज है। अब सबूत नंबर दो, कांग्रेस के आरोपों पर मदुरई के मठ की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान आया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे अधिनियम ने राजा जी यानी सी गोपालाचारी के न्योते पर सेंगोल बनवाया और पहले उसे माउंटबेटन को दिया, फिर वापस लेकर पारंपरिक रीति रिवाज से पंडित नेहरू को सौंप दिया। जिन स्वामी जी ने पंडित नेहरू को सेंगोल दिया, उन्होंने नेहरू को साफ साफ बताया था कि सेंगोल का मतलब क्या होता है। अधिनियम मठ आगे कहता है कि उस इवेंट को बकवास और झूठा बताकर कांग्रेस हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। सबूत नंबर तीन, यह टाइम मैगजीन का 25 अगस्त 1947 का एडिशन है, इसकी कॉपी मैं लेकर आया हूं साथ में। उस कॉपी में साफ तौर पर लिखा है, इसके पेज नंबर 28 पर, जो पेज मेरे पास है, पर संगोल के बारे में लिखा है कि 5 फीट लंबे और 2 इंच चौड़े राजदंड को पीताम्बरी ओढ़े पंडित नेहरू को सौंपा गया। लेकिन शायद कुछ लोगों को ना अपने इतिहास पर भरोसा है, ना देसी दस्तावेजों पर, ना ही विदेशी डॉक्यूमेंट्स पर, लेकिन ब्रिटिश किंग का कॉरोनेशन इन्हें काफी फैंसी लगता है। और मैं अपने यंग व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, ब्रिटिश किंग का भी कॉरोनेशन हुआ था, आपको बड़ा फैंसी लगा था, क्या कल्चर है इनका, हमारा कल्चर भी उनसे बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है। वहां के स्पेक्टर यानी राजदंड के हस्तांतरण में भी उनके गौरवशाली इतिहास की झलक दिखती है, लेकिन अपना सुंगोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खोज दिखाई देता है इन तथाकथित लोगों को। कहां से कहां पहुंच गए ये लोग, आखिर अपनी जड़ों को काटकर आज तक कौन सा पेड़ जीवित रहा है। व्यूअर्स, ये सोच के देखिए, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत विराट है, इस विराट संस्कृति को कृपया करके छोटा ना होने दें। किंग के कॉरोनेशन को हमारे देश के बड़े बड़े लोग 100वीं रो में खड़े होकर पीछे देखते हैं और सिंगोल के ऊपर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपके साथ मैंने जानकारी साझा करी है, ये आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और युवा साथियों आपके लिए बहुत बहुत अहम है। कृपया करके अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, जो पेड़ अपनी जड़ छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। नमस्कार।